नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर सीरीज में हम यूपीएससी का जो सामान्य अध्ययन का प्रथम पेपर है उसको 2013 से लेकर 2019 तक के सभी पेपर को यहां डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को आप यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर यूपीएससी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार पीसीएस और इसके साथ साथ उड़ीसा पीसीएस की तैयारी भी हमारे यहाँ चलती है। आप दिए हुए नंबर्स पर, जो कि इसमें कॉलिंग नंबर्स दिए हुए हैं 8564880530 और 9696066089 नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इन्हीं दो नंबर पर जानकारी प्राप्त कीजिएगा क्योंकि और भी कई फर्जी नंबर्स लोग वाक चला रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे ही चैनल पे आपको एसएससी और अन्य एग्जाम्स के लिए भी स्टडी मटेरियल प्राप्त होता है। आप हमको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नंबर ये दिया हुआ है और आप इस पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन 2013 यूपीएससी का, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। पहला ऑप्शन है, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। तीसरा है, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। और लास्ट है, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, इसलिए किसी भी विधेयक का धन विधेयक होने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 110 के क्लॉज सी के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। और जो ये धन विधेयक है ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और लोकसभा में पारित होने के बाद ये विधेयक राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, वो चाहे तो कुछ सिफारिशों के साथ लोकसभा को वो वापस भेज सकती है और अधिक से अधिक 14 दिनों के अंदर राज्यसभा द्वारा वापस अगर नहीं भेजा जाता है धन विधेयक तो वह दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। और लास्ट ऑप्शन दिया है कि विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल के द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 156 क्लॉज ए के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इस प्रकार से एक राज्यपाल अपने राज्य शासन का मुखिया होता है तो दूसरी ओर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी वो राज्य में कार्य करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को उसकी अवधि पूर्ण करने से पूर्व हटा सकते हैं। राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन सही है क्योंकि हमारे संविधान में कहीं पर भी राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। तो जो राज्यपाल का पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जिसमें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। भौगोलिक लक्षण दिए गए हैं और प्रदेश दिए गए हैं। सबसे पहले है एबिसिनी पठार, प्रदेश है अरब, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, थर्ड है गुयाना उच्च भूमि,
दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, और लास्ट है ओकावांगो द्रोणी बेसिन जो कि पेटागोनिया लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग पर यहाँ पर ये एटलस माउंटेन्स देखने को मिलती है हमें। जो एबिसिनी प्लेटू है ये पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया और सोमालिया में फैला हुआ है। जुरासिक से टर्शरी एज तक यहाँ अनेक भूगर्भीय हलचल हुई, इसी के परिणामतः यहाँ पर एक दरार घाटी भी बनी है। एटलस माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है। इसकी लंबाई टोटल 2500 किलोमीटर के आसपास है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया से ये पास होती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है तूपकाल। गुयाना उच्च भूमि के बारे में हम बात करें तो ये ब्राजील की उत्तरी सीमा गुयाना तथा उसके निकटवर्ती दक्षिणी वेनेजुएला पर एक छोटा सा पठार है, लघु पठार है। इस पठार का दक्षिणवर्ती ढाल थोड़ा सा सीढ़ीदार है जिसकी चट्टानें अमेजन घाटी के तल तक जाती हैं। अगला है इसमें ओकावांगो द्रोणी, ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में स्थित है, पेटागोनिया में अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा है बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थीं। थर्ड है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थीं। आपको ये जानना बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो भारत में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास मौर्य काल में ही हो चुका था, इसलिए जो बादामी की गुफाएं हैं वो भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं नहीं हैं, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। बराबर पहाड़ियों में चार गुफाएं शामिल हैं, एक है करण चौपर, दूसरा है लोमस ऋषि, तीसरी है सुदामा और चौथी है विश्व झोपड़ी। जो सुदामा और विश्व झोपड़ी सॉरी लोमस ऋषि गुफाएं हैं वो भारत में चट्टानों को काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला के सबसे आरंभिक उदाहरण हैं। इनमें मौर्य काल में निर्मित वास्तुकला संबंधी विवरण हमको देखने को मिलता है और बाद की सदियों में ये महाराष्ट्र में पाए जाने वाले विशाल बौद्ध चैत्य की तरह यहाँ पर उसको अपनाया गया, जैसा कि हमको अजंता और कार्ले की गुफाओं में देखने को मिलता है। एलोरा में गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म के साथ साथ शैव और वैष्णव धर्म के साथ भी था। वहां पर बौद्ध की मूर्तियां भी बनी हुई हैं, तो भगवान शिव को भी वहां पर दिखाया गया है, भगवान विष्णु को भी दिखाया हुआ है। ये जो एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित हैं। वहीं जो बादामी की गुफाएं हैं ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगी, जिसको चालुक्यों ने बनवाया था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें केवल तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीनों को स्थानांतरित होने देता है। पहला पौधों की विभिन्न जातियों में, दूसरा जंतुओं से पौधों में, और तीसरा सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये तीनों ही कथन इसमें सही है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीन ट्रांसफर करता है पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में और सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआनशांग या ह्वेनशांग, इन्होंने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। पहला है सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरीके से सुरक्षित थे। सेकंड, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता और दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा है व्यापारियों को नौ घाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो जो सबसे पहला कथन है कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरीके से सुरक्षित थे, ये कथन गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं था, बीच में डाकू लूट मार की प्रथा करते रहते थे। चीनी यात्री ह्वेनशांग
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हुइनसांग का जो कार्यकाल रहा भारत में वो था 629 से 643 ईस्वी तक, और इन्होंने अपनी पुस्तक सीयू की में अपनी यात्रा तथा भारत का सामाजिक विवरण किया है। इनके वर्णनों से ही हर्षवर्धन कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में हमें जानने को मिलता है। हुइनसांग ने गांधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, वाराणसी, गया और कुशीनगर की यात्रा की थी, लेकिन भारत में उनका सबसे महत्वपूर्ण समय और सबसे ज़्यादा समय कन्नौज में बीता था। हुइनसांग हर्षवर्धन के निमंत्रण पर कन्नौज में आए, वहाँ पर रहे। इसने 6 वर्षों तक यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। चीनी यात्रियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान हुइनसांग का ही आता है। इन्हें प्रिंस ऑफ ट्रेवल्स भी कहा जाता है, अर्थात यात्रियों का राजकुमार। हुइनसांग के अनुसार तत्कालीन भारत में जहां तक अपराधों के लिए दंड की बात है, वहां पर अग्नि, जल और विष के द्वारा लोगों का चेक किया जाता था कि वो दोषी हैं या नहीं है। किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता और दोष का निर्णय इन्हीं से किया जाता था, और जो व्यापारी वर्ग थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था नौघाट और नाकों पर। तो इसलिए हमारा इसमें आंसर होगा बी, सेकेंड और थर्ड इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है स्टार टॉर्टोइज, तारा कछुआ, मॉनिटर लिजार्ड, पिग्मी हॉग, वामन सुअर, और चौथा है स्पाइडर मंकी। और इसमें पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तारा कछुआ, स्टार टॉर्टोइज के बारे में। तो स्टार टॉर्टोइज एक मध्यम आकार का कछुआ होता है और भारत के ये शुष्क क्षेत्रों में स्थित जंगलों में पाए जाते हैं। साथ ही ये भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पाकिस्तान और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। मॉनिटर लिजार्ड की अगर हम बात करें तो भारत में पाई जाने वाली विशालकाय रेप्टाइल है ये। और फिर है वामन सुअर, पिग्मी हॉग, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट भाग में पाई जाने वाली सुअर की एक प्रजाति है। स्पाइडर मंकी की अगर हम बात करें तो ये वर्षा वनों में हमें मिलते हैं, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वहां पर। तो ये मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी देशों में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप स्पाइडर मंकी को छोड़ दीजिए, बाकी के ये तीनों हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड और फॉर्मेल्डिहाइड और यूरेनियम। तो भारत में सॉर्बिटॉल नहीं मिलता है और फॉर्मेल्डिहाइड नहीं मिलता है, बाकी आर्सेनिक मिलता है, फ्लोराइड जल में उपस्थित होता है और यूरेनियम उपस्थित होता है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 5। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। तीसरा है प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। और डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसका आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा जो संविधान सभा के सदस्य थे वो उनको निर्वाचित किया गया था। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था और ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही पहले प्रथम संसद के सदस्य वो बने। विभिन्न प्रांत के लोगों ने वयस्क मताधिकार के आधार पर विधानसभाओं का निर्वाचन किया। इन विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा पुनः संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। तो इस प्रकार से संविधान सभा के जो सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि से उनको निर्वाचित किया गया था। तो यहां पर आपका आंसर हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह। और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मैमल वर्ग में आता है, स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। तो इसमें समुद्री घोड़ा नहीं आता है, समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये दोनों ही स्तनधारी वर्ग में आते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी। जो समुद्री गाय है उसका नाम होता है साइरेनिया। ये जल में रहने वाले शाकाहारी स्तनधारी प्राणियों का एक जीव वैज्ञानिक गण है जिसके सदस्य नदियों और तटों के पास वाले समुद्री क्षेत्रों में रहते हैं।
समुद्री घोड़े की अगर हम बात करें तो ये समुद्र में पाए जाने वाली छोटी मछलियों की 45 प्रजातियों का नाम होता है जो हिप्पोकैम्पस जीन्स में आती हैं। वॉलदेश प्रायद्वीप अर्जेंटीना में स्थित एक प्राकृतिक क्षेत्र है जिस पर समुद्री सिंह अर्थात सी लॉयन हमको देखने को मिलता है। 1999 में यूनेस्को ने इसे एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था जो कि अर्जेंटीना में है। वॉलदेश प्रायद्वीप वहां पर सी लॉयन की प्रजातियां हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही हमारे मैमल्स वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी पॉलिटी से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल के द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो सबसे पहला कथन है वहां पर एक शब्द आ रहा है, मोस्टली ये देखने को मिलता है कि जहां कहीं पे भी ओनली केवल जैसा शब्द आ जाता है वो कथन असत्य होता है, गलत होता है। तो भारत के संविधान में अगर संशोधन करना हो तो लोकसभा में भी उस विधेयक को लाया जा सकता है या राज्यसभा में लाया जा सकता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हम लोकसभा में ही लेके आएंगे। भारतीय संविधान नम्य और परिवर्तनशील है, इसमें आवश्यकता के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जाता है। संशोधन करने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है। इस विधेयक के पारित होने के लिए दोनों सदनों में सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा उसे पारित किया जाना चाहिए और पारित होने के बाद ऐसे विधेयक को आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन के बाद ये विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें लिखा है भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल, जबकि आधे या आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के द्वारा उसे अनुसमर्थित किया जा सकता है। इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और आपका आंसर होगा यहां पर डी। अगला क्वेश्चन है भारत का महान्यायवादी के बारे में, लोकसभा की कार्यवाही में ये भाग ले सकता है। दूसरा है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। लोकसभा में ये बोल सकता है। चौथा है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की इसको परमिशन होती है, लोकसभा में अपने विचार रख सकता है, लोकसभा की कोई भी समिति होगी उसका सदस्य भी हो सकता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, शर्करा उद्योग के उप उत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन छांटना है। तो पहला है, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है, शीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के रूप में उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है, शीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो जो शीरा होता है वो चीनी उद्योग का एक सह उत्पाद होता है, एथाइल अल्कोहल के उत्पादन में ये बनता है। इसका उपयोग पशुओं के चारे और प्रसंस्कृत तंबाकू के निर्माण में किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए कुछ देशों में शीरे का प्रयोग किया जाता है, भारत में हालांकि इसका काफी कम प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम में। शीरे में चीनी की मात्रा कुछ कम होती है, पूरी तरीके से नगण्य नहीं होती है, इस कारण से इसका उपयोग उर्वरक बनाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसका प्रयोग किया जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया और माइक्रो बैक्टीरियाज उसमें उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि उसमें शुगर है। खोई चीनी उद्योग का वह फाइब्रस मैटर होता है जिसमें सेलुलोज की मात्रा होती है, इसलिए इसे जैव ईंधन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन गलत है,
पहला और तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग ऋतुओं में जो डे टाइम और नाइट टाइम का लेंथ है उसमें वेरिएशन क्यों होता है, वो क्यों वेरी करता है, उसका कारण पूछा गया है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दूसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाना दीर्घवृत्तीय रीति से, तीसरा है स्थान की अक्षांशीय स्थिति, और लास्ट है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमा अर्थात रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस। तो जो हमारी पृथ्वी है वो हमें मालूम है वो एक झुकी हुई एक्सिस पे रोटेट करती है, और ये एक्सिस कितना झुका हुआ है, अगर ये हम इस तरीके से खींचे तो ये आपका एंगल है 23.5 डिग्री, और पृथ्वी अपनी इस टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट करते हुए पूरे सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में वो परिक्रमा भी लगाती है। तो इस कारण से जो स्थान है उनके अक्षांशीय स्थिति में परिवर्तन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो रोटेशन हो रहा है हमारी पृथ्वी का वो अपने टिल्टेड एक्सिस पे है, इसलिए जब भी ऋतु का परिवर्तन होता है अर्थात ग्रीष्मकाल शीतकाल वर्षाकाल आता है तो उसमें क्या होता है, इसी कारण से डे टाइम और नाइट टाइम में वेरिएशन देखने को मिलता है। सर्दियों में जहाँ दिन का समय बहुत कम हो जाता है रात की अवधि बढ़ जाती है, वहीं जो अगर गर्मियों की बात करते हैं तो वहाँ पर दिन की अवधि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, सूर्यास्त जल्दी होता है, सूर्यास्त काफ़ी देर में होता है, सूर्योदय जल्दी होता है, सूर्यास्त काफ़ी देर में होता है, वहीं जो नाइट है वो बहुत कम समय में हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो है लास्ट डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि जो अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, तो उसका क्या कारण है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ये बताया गया है कि ये एक रेखीय विभ्रंश यानी रिफ्ट वैली में बहती है, दूसरा है ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, तीसरा है भूमि का जो ढलान है वो मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो इस प्रश्न में आप दोबारा से इस प्रश्न को पढ़िए कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि जो अन्य प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पूर्व की ओर बह रही हैं, इसका क्या कारण है। तो नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली में बहती है, ये कहां से निकलती है, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात जाती है और गुजरात में अरब की खाड़ी में इसका विसर्जन हो जाता है, और ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में भ्रंश घाटी बनी हुई है उसके बीच में से ये बहती है, और इस भ्रंश घाटी का जो ढाल है वो पश्चिम की तरफ है, तो इस कारण से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर फ्लो करती है। वहीं जो प्रायद्वीपीय अन्य नदियां हैं उनका प्रवाह जैसे कि गोदावरी कावेरी ये सारी नदियां हैं महानदी ये सभी आपकी पूर्वी तट की तरफ जाती हैं, उसका कारण क्या है कि जो भूमि का ढलान है वो मध्य भारत से पूर्व की ओर है। तो यहां पर आपका पहला आंसर होगा क्योंकि ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये गलत है, ये भी गलत है। देखा जाए तो विंध्य और सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में जो भ्रंश घाटी है उसी से फ्लो करती है, आप अगर इसको सेकंड को भी काउंट करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, तो आपके सामने यहाँ पर केवल एक है तो आप पहला ऑप्शन इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल फ्रेश वाटर बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है, शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग कहां पर मिलता है, पहला है वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में, दूसरा है अलवण जल झील यानी फ्रेश वाटर लेक्स और रिवर्स में, तीसरा है ग्राउंड वाटर के रूप में, और अंतिम है मृदा आर्द्रता सॉइल मॉइस्चर के रूप में। तो इसका सही आंसर है कि ग्राउंड वाटर के में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर हमें देखने को मिलता है। अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें क्लाउड्स की बात करें या एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें इतना परसेंटेज नहीं होता है, वहीं सॉइल मॉइस्चर में भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा, और जो सरफेस वाटर है सरफेस वाटर की क्वांटिटी ग्राउंड वाटर से काफ़ी कम है, तो इसलिए आपका सही आंसर होगा सी।
अगला क्वेश्चन है, अलग अलग युग दिए गए हैं और उसमें नौकरेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ पर स्थित है उसके बारे में बताया है। सामने लिखा है गारो पहाड़ियाँ, लोकटक झील, बरेल रेंज, नामदफा नेशनल पार्क, ये आपका डाफला रेंज दी हुई है और आपको सही युग्म की पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में स्थित है। नौकरेक गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु है और यहाँ हाथी, हलक, गबून सहित अन्य प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर पादपों की विभिन्न प्रजातियां भी हमें देखने को मिलती है। तो आपका पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, ये गारो हिल्स में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील के बारे में, अर्थात तो वो बताया है कि ये बरेल क्षेत्र में है। तो जो लोकटक झील है वो मणिपुर में हमें मिलती है। मणिपुर में स्थित ये पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में हाइड्रो पावर प्लांट भी लगाया हुआ है। लोकटक झील को विश्व में तैरती हुई झील के रूप में भी जाना जाता है। इस झील में घनी जलीय घास के बड़े बड़े हिस्से तैरते हुए दिखते हैं जिसको फुमडिस भी कहते हैं। जो ये लोकटक झील है मणिपुर के लिए बहुत ही आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, टूरिज्म का भी एक अट्रैक्शन सेंटर है। तो इस कारण से ये आपका गलत हो जाता है, ये सही सुमिलित नहीं है। अगला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये पूर्वी हिमाचल जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये पूर्वी हिमाचल उपक्षेत्र में आता है। इसे भारत में जैव विविधता में सबसे घनी क्षेत्रों के रूप में माना जाता है और ये डफला पहाड़ियों में नहीं आता है, ये मिश्मी पहाड़ियों में स्थित है। मिश्मी पहाड़ियों की डफला भूम और पटकाई पर्वतमाला है, उनके बीच में इसकी लोकेशन है। तो इस प्रकार से आपका ये भी गलत हो जाता है। तो आपका सही आंसर है ए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार करना है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ और रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या अंतर है? पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, सूर्य के चारों ओर वो रिवॉल्यूशन करती है, रिवॉल्व करती है, परिक्रमा लगाती है। तो पृथ्वी के परिक्रमण का मतलब है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाना और पृथ्वी का घूर्णन का मतलब है वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी के परिक्रमण से ही। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है तो गतिक परिवर्तन उससे भी आता है। पृथ्वी का घूर्णन, जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है उसके कारण भी पृथ्वी के पृष्ठ पर डायनेमिक चेंजेस होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक ये 100% है। गुरुत्वीय बल के कारण भी डायनेमिक चेंजेस आते रहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी में जब एक्टिविटी होती है जिसके कारण प्लेट मूवमेंट होता है तो ये भी इससे रिलेट है, इसलिए सेकेंड भी करेक्ट है। अगला लास्ट बचता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण भी डायनेमिक चेंजेस होते हैं। तो अतः आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द एवब, डी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दूसरा है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, तीसरा है जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदें। तो उपर्युक्त में से तीनों को ही मेंशन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तीनों ही संविधानेतर हैं। योजना आयोग अब नीति आयोग में परिवर्तित हो चुका है और ये गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। योजना आयोग का जो गठन किया गया था ये मंत्रिमंडल के एक डिसीजन संकल्प के द्वारा किया गया था 15 मार्च 1950 को। इसका जो पदेन अध्यक्ष होते थे वो थे प्रधानमंत्री। नीति आयोग जो परिवर्तित होकर बना है योजना आयोग से, उसका भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका मुख्य काम क्या था? केंद्र की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। एनडीसी की बात कर रहे हैं
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये भी एक संविधानेतर संस्था है, इसकी जो स्थापना की गई थी योजना आयोग का एक अनुसंगी निकाय के रूप में की गई थी, और ये 6 अगस्त 1952 को बनाया गया इसको। ये संस्था योजना तैयार करने में राज्यों से सहयोग लेने और उनकी राय जानने के लिए बनाई गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं की ये अंतिम स्वीकृति प्रदान करती थी। लास्ट है क्षेत्रीय परिषदें, तो जो क्षेत्रीय परिषद हैं उनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1956 में किया गया था। इसको केंद्रीय गृह मंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं और भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से आपको जो राइट आंसर है वो होगा 1, 2, 3। इसमें यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है, तो ये तीनों ही आपके संवैधानिक आयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, दूसरा भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, तीसरा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषि दासता का अंत, और अंतिम है कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। तो जो बंगाल का तिभागा आंदोलन हुआ उसमें फसल का 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार को दिलाने का आंदोलन था। ये बंगाल के 28 में से 15 जिलों में फैला, विशेषकर जो इसका उत्तरी और तटवर्ती सुंदरवन वाले क्षेत्र हैं वहां पर। किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए इस आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया था और इसे खेतिहर मजदूरों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। 1946 में किसान सभा ने तेभागा चाई ये एक नारा दिया, इस तेभागा किसान आंदोलन का जो नारा था कि तेभागा चाई, और इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के किसानों की भागीदारी थी। इसके आदिवासी किसानों ने भी इसमें भाग लिया। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के दौरान शुरू हुआ जब मुस्लिम लीग का सोहरावर्दी मंत्रिमंडल यहां पर राज कर रहा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पहला, ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना। अगला क्वेश्चन है, संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से, या बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, या संबंधित राज्यों की सहमति से, या फिर बिना किसी राज्य की सहमति से। तो संसद को हमारे संविधान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मामले में संप्रभु बनाया गया है। संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी भी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 253 के तहत। तो ये व्यवस्था संघ को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए योग्य बनाती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लास्ट, बिना किसी राज्य की सहमति से संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए वो कोई भी कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? पहला है कीटों और कवकों के कारण, दूसरा है सीमित सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी के कारण, तीसरा है जल की सीमाओं और आग के कारण, और अंतिम है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है। ये चीज है पारिस्थितिक अनुक्रमण, वातावरण में परिवर्तन के कारण पहले पे के पादपों के स्थान पर नए पौधे या पादप जो उग जाते हैं, वह नया समुदाय यहाँ पर स्थापित होता है, उसको पारिस्थितिक अनुक्रमण या अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रमण एक दीर्घकालीन क्रिया होती है जिसके अंतिम चरण में एक स्थायी या चरम समुदाय स्थापित होता है। अनुक्रमण सैकड़ों वर्षों में वानस्पतिक समुदायों की रचना और आकार में आने वाली विभिन्नताओं को दर्शाता है, व्यक्त करता है। इस क्रिया में समुदाय और पर्यावरण में पारस्परिक क्रिया से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसके फलस्वरूप क्रमशः एक समुदाय दूसरे के द्वारा प्रतिस्थापित होता रहता है लगातार। वृक्ष अनुक्रमण के
अंश के रूप में घास स्थलों में घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। अनुक्रमण समय के साथ साथ एक ही स्थान और आवास पर लंबे समय तक चलने वाला एक अनसाइक्लिक अचक्रीय परिवर्तन होता है, जो लंबे समय के बाद ही हमको समझ में आता है या दिखलाई पड़ता है। तो इसका क्या कारण होगा? इसमें आंसर होगा इसका सी, जल की सीमाओं और आग के कारण वृक्ष घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं। अगला है परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में आपको सही अनुक्रम लगाना है। महासागर, झील, घास स्थल और मैंग्रोव आपको ऑप्शन दिया है। तो मैंग्रोव की जो उत्पादकता है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद घास स्थल की होती है, और फिर झील की होती है, और सबसे कम उत्पादकता होती है महासागर की। तो आपका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि। कंटूर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, जिसको प्रयोग किया जाता है डिजर्ट मार्जिन्स लायबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, अर्थात प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत। दूसरा है नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान। तीसरा है अपत्रण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि, और लास्ट है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में भू संरक्षण की इस कंटूर बंडिंग यानी परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग किया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रबल पवनों का अत्यधिक प्रभाव होता है, परिणामतः वहां पे सॉइल इरोजन होता है, वनस्पतियों की भी हानि होती है, वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है। इन सभी चीजों से इसको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर हरित पट्टी को अपनाया जाता है, और इसमें छोटे छोटे क्षेत्रों के चारों ओर वृक्षारोपण किया जाता है, जिस कारण से जब स्ट्रांग विंड वहां पर फ्लो करे अर्थात तीव्र पवन चले तो मृदा का अपरदन ना हो। इस प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरित पट्टी मृदा अपरदन रोकने में सहायक होती है, और यही आपकी भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि होती है। तो इसमें से ये तीनों ही आपके सही नहीं है। लास्ट ऑप्शन आपका इसलिए इसमें सेलेक्ट होगा क्योंकि पहले में तो बात की गई है डेजर्ट मार्जिन की, तो केवल डेजर्ट मार्जिन की बात नहीं होती है, डेजर्ट पूरे डेजर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए ये भी नहीं है। दूसरा है लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू स्ट्रीम कोर्सेस, तो स्ट्रीम कोर्स की तो बात ही नहीं हो रही है, ये सिर्फ डेजर्ट की बात करता है, तो इसलिए इसको तो आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है स्क्रब लैंड लायबल टू स्प्रेड ऑफ वीड ग्रोथ, तो ये भी नहीं होगा, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पैसा एक्ट इन 1996, निम्न में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? पहला है टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन प्रदान करना। दूसरा है पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना। तीसरा है जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। लास्ट है जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के तहत जो वहां पर निवास करने वाले लोगों हैं उनको स्वशासन प्रदान करना और उनको पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दिलाना, उनके शोषण मुक्त जीवन प्रदान करने के लिए सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पैसा एक्ट 1996 में पारित किया था। पैसा कानून समुदाय की प्रथागत धार्मिक और परंपरागत रीतियों के संरक्षण पर काफ़ी जोर देता है। इसमें विवादों को प्रथागत ढंग से सुलझाना, सामुदायिक संसाधनों का प्रबंध करना भी शामिल है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पैसा एक्ट 1996 ये पांचवी और छठी अनुसूची जैसा संवैधानिक प्रावधान है। तो इसमें जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना होता है, तो इसलिए आपका कौन सा आंसर होगा? सी आंसर है। तो इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। बाकी के जो 75 क्वेश्चंस हैं उनको भी हम 25-25 क्वेश्चन के एक एक लेक्चर में हम कवर करेंगे। धन्यवाद।